हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी में। दिया और बाती हम की मशहूर टेलीविजन अभिनेत्री दीपिका सिंह की मां को दिल्ली के अस्पताल में आखिरकार बेड मिल ही गया। दीपिका ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। साथ ही बेड देने के लिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का शुक्रिया अदा भी किया। दीपिका सिंह ने बताया कि इंस्टाग्राम पर उनके वीडियो पोस्ट करने के कुछ देर बाद ही दिल्ली सरकार ने उनकी मां की मदद की। अब उनकी मां को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभिनेत्री ने दिल्ली की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और अरविंद केजरीवाल को मामले को गंभीरता से लेने और तत्काल प्रभाव से मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। दीपिका सिंह ने ट्वीट किया, मेरे ट्वीट और वीडियो पर तत्काल प्रतिक्रिया के लिए दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद। आखिरकार मेरी माँ को सर गंगाराम अस्पताल में दाखिला मिल गया, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की आशा है। बता दें कि दीपिका ने शनिवार को एक वीडियो साझा कर कहा था कि उनकी मां का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन अस्पताल में उन्हें रिपोर्ट की कॉपी नहीं दे रहा है। बिना रिपोर्ट के अस्पताल उनकी मां को भर्ती नहीं कर पा रहा। उनकी मां दिल्ली के पहाड़गंज में रहती है। उनका पूरा संयुक्त परिवार है जिसमें करीब 45 लोग साथ में ही रहते हैं। दीपिका ने बताया कि दिल्ली के कई अस्पताल में बेड खाली नहीं है और उनकी मां का घर पर ही उपचार किया जा रहा है। उन्होंने सीएम केजरीवाल से गुजारिश करते हुए कहा कि मैं मदद चाहती हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं बहुत तकलीफ में हूं। मेरा 2 साल का बेटा है और मैं मुंबई में फंसी हुई हूं। यहां मेरी मां के इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा। मेरी बहन वहां गई है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही। दिल्ली की लेडी हेरिटेज अस्पताल में टेस्ट कराया गया था और उसमें उनकी माँ को कोरोना की पुष्टि हुई, लेकिन इलाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो मैं जरूर कमेंट करें। और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे।